हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना भाई जेबी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी मुर्ग पटियाला। किसी भी दावत के लिए बहुत ही अच्छी और डिफरेंट रेसिपी है ये, और मैंने बहुत आसान तरीके से इसे बनाना बताया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मुर्ग पटियाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम चिकन। चिकन को अच्छे से धो लेंगे और उसका पानी बिल्कुल निकाल देंगे। चिकन को हमें करना है मैरिनेट, तो डालेंगे 1/4 कप दही, फ्रेश दही लेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी मसालों को चिकन की पीसेस पर अच्छे से लगा देंगे और 1/2 घंटे के लिए हमें इसे अलग रख देना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा 2 घंटा भी इसे रख सकते हैं। अब लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर हमें कुछ मसाले और प्याज टमाटर को फ्राई करना है, इसका पेस्ट बनेगा तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तेल जब हल्का सा गरम हो जाए, बहुत ज्यादा तेज तेल नहीं गरम करना है, तो उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी लकड़ी दालचीनी, 5 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 साबुत लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। इन सारे खड़े मसालों को हमें 30 सेकेंड तेल में फ्राई करना है और डाल देना है 2 मीडियम प्याज बारीक कटी हुई। प्याज डालने के बाद प्याज को हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, सुर्ख नहीं करना है, बस हल्की सी प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट करना है, तो तकरीबन 30-40 सेकेंड को प्याज को हमें फ्राई करना है। बस अब प्याज में डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा टमाटर बारीक काट करके डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब इन सारी चीजों को 1 मिनट धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है उसे हमें खत्म करना है। आंच को हम इस वक्त तेज रख सकते हैं, बहुत स्लो आंच पे फ्राई करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद प्याज का पूरा कलर जो है वो येलो हो गया है, हल्दी का कलर इसके ऊपर आ गया है। बस अब इस वक्त हमें ऐड करना है 1/4 कप काजू। काजू को थोड़ा सा काट करके डालिएगा क्योंकि हमें आगे पेस्ट बनाना है, तो बारीक काजू कटा रहेगा तो पेस्ट जो है वो फाइन बारीक बनेगा। काजू डालने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और पैन अभी काफी गर्म है तो उसी पैन में ही हम काजू को 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे और इन सारे मसालों में थोड़ा सा पानी डाल करके हम पेस्ट बना लेंगे। ज्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी डाल करके पेस्ट बना लीजिएगा। अब चिकन को पकाना शुरू करते हैं। लेंगे एक गहरा बर्तन और उसमें डालेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, या अगर आप घी में बनाना चाहें तो आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को गरम कर लेंगे और ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट, या आप इस पेस्ट की जगह पर बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। तेज आंच पर ही 30 सेकेंड अदरक और लहसुन को फ्राई करेंगे। और ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन की सारी पीसेस जो अभी हमने करके रखा था 1/2 घंटा पहले। अब चिकन को हमें भूनना है बिल्कुल इसका तेल छूट जाने तक। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी को हमें सुखाना है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें चिकन को भूनना पड़ेगा तेज आंच पर ही, क्योंकि अभी चिकन गलेगा नहीं। आप तेज आंच कर लीजिए, तेज आंच पर ही हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। दही भी है तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो सारी चीजों को हमें सुखाना है। अब आप ये देख सकते हैं
कि चिकन से सारा पानी सूख चुका है, तेल दिखने लगा है। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया था 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तो उसे डालना मत भूनिएगा, उसको डालने के बाद ही चिकन को फ्राई कीजिएगा। अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन मसालों को डालने के बाद भी हमें 30 सेकेंड चिकन के साथ इसको चलाना है, क्योंकि हल्दी को पकाना जरूरी है। आप जीरा और गरम मसाले को ना भी पकाएं तो चलेगा, लेकिन हल्दी को हमें पकाना जरूरी है। बस हल्दी का जो कच्चापन है, उसकी जो रॉ स्मेल है, वो खत्म हो जाएगी। तो तकरीबन 30 सेकेंड में आपको हल्दी की महक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब हम डाल देंगे ये जो अभी हमने मसाला बनाया था, वो मसाला जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को साफ कर लीजिएगा। अब चिकन में इन सारे मसालों को हम मिला लेंगे। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी भून रखा है प्याज को भी और टमाटर वगैरह को भी, अदरक लहसुन को भी, लेकिन हमें चिकन गलाना है। तो इनको मिक्स करने के बाद, मसाले अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट धीमी आंच पर हम इसे पकने को रखेंगे। पांच मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। बीच में चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि काजू डालने की वजह से मसाला नीचे लगेगा, तो जरूरी है कि इसको हम चलाते रहें, वरना चिपक जाएगा। तो एक बार चला लिया है, चलाने के बाद इसको थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह पर अगर आप फ्रेश मेथी का सीजन हो तो हरी हरी पत्तियां भी ले सकते हैं, पर पत्तियों को धोकर बारीक काट करके डालिएगा। साथ ही डालेंगे 1 शिमला मिर्च इस तरह क्यूब्स में काट करके, और 1 मीडियम प्याज ले लीजिएगा, उसको भी इस तरह क्यूब्स निकाल लीजिएगा। बस प्याज को 4 टुकड़ों में काट कर एक एक परत हमें निकाल लेना है। इन सारी चीजों को मसाले और चिकन के साथ मिक्स करेंगे और दोबारा से ढक्कन लगाकर 5-8 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि चिकन अभी गला नहीं है, हमें चिकन को गलाना है। तो चिकन के गलने तक इसको हम पकाएंगे। जैसा मैंने ऊपर भी कहा कि चलाना जरूरी है, क्योंकि काजू की वजह से मसाला जो है वो चिपकेगा, तो चलाना मत भूलिएगा। बस तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और ये बिल्कुल अब तैयार है। चिकन गल चुका है और ये थिक भी, ग्रेवी भी इसकी काफी थिक हो गई है। ऊपर से डालेंगे इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, गैस ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा करके इसको कम से कम 2-3 मिनट हम छोड़ेंगे, तभी रोगन ऊपर आएगा। तो फौरन सर्व मत कीजिएगा, ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट इसको जरूर छोड़िएगा। गर्मा गर्म चिकन पटियाला को लच्छा पराठा या बटर नान के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।